कांग्रेस का मिशन 25 की जीत के लिए चुनाव प्रचार अभियान जारी है। कांग्रेस ने प्रदेश में अब तक 2 दर्जन से अधिक जनसभाएं की है और स्टार प्रचारकों के दौरे भी शुरू हो चुके हैं। इसी के चलते 16 अप्रैल को हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा नागौर में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो दूसरी ओर अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में भी स्टार प्रचारकों की डिमांड आ रही है, जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की डिमांड सबसे अधिक है। साथ में प्रदेश भर की चुनावी गतिविधियों की मॉनिटरिंग पीसीसी कार्यालय में की जाएगी, जिसके लिए पीसीसी में वॉर रूम तैयार किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी खुद प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे संभालेंगे। वहीं पर पीसीसी उपाध्यक्ष मुमताज मसीह ने बताया कि प्रदेश भर में चुनावी गतिविधियों और मतदान से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों की मॉनिटरिंग वॉर रूम में के माध्यम से की जाएगी, जिसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रदेश कांग्रेस की ओर से कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं, जो कि लगातार इसकी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कंट्रोल रूम, वॉर रूम और ये सब बनाए जाते हैं और उसके अनुसार ही चुनाव का कार्यक्रम चलता है और चुनाव की मॉनिटरिंग चलती है। हमारे कंट्रोल रूम में हमने अब की बार हर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कोऑर्डिनेटर लगाया है और उस कोऑर्डिनेटर का काम ये है कि वो उस पार्लियामेंट के बारे में पूरी डायरेक्ट उनसे कॉल करें। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।